फिल मदाम यानी रेस्टोरेंट में, मतामुल फंदू की फी अव्वल दोर यानी होटल के रेस्टोरेंट में पहले फ्लोर पे, यूसुफ याकुल फी मतम, यूसुफ जो था वो रेस्टोरेंट में रहा था होटल के। फायदा पहला आपने गलत किया, दोबारा करो। मतामुल फंदू की फी अव्वल दोर यानी होटल के रेस्टोरेंट में पहले फ्लोर पर, होटल का रेस्टोरेंट पहले फ्लोर पर है। यूसुफ याकुल फी मतम, यूसुफ रेस्टोरेंट में होटल के रेस्टोरेंट में खा रहा है। अल वाजबात फिल मतम हिया, वाजबात का क्या मतलब होगा? खाने रेस्टोरेंट में जो है वो ये है, अल फुतूर, अल फुतूर, फुतूर का मतलब होता है सुबह सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग के, अल गदा दोपहर होती है और अल ईशा शाम होती है। अल फुतूर नाश्ते को कहते हैं, अल फुतूर नाश्ते को कहते हैं। नाश्ता असीरी फाकिहा, असी पर असीर जूस और फाकिहा फल, फल और फल। जूस यार फलों का जूस, लेकिन तस्वीर में तो दो चीजें हैं। अच्छा ठीक है, फलों का जूस। खुब्स कहते हैं डबल रोटी को, नहीं नहीं रोटी को, लेकिन यहाँ तो डबल रोटी बनी हुई है। और वह मुरब्बा और मुरब्बा जात व जुब्द और जुब्द, क्या चीज है ये? और जाम, जाम को कहते हैं मक्खन। किसे कहते हैं? जन्नत, ये मक्खन। जन्नत इसको हम जाम नहीं कहते। आपने तो माशाल्लाह से उर्दू में मास्टर किया हुआ है, फिर भी आप ऐसी गलती कर रही हैं। जाम वो चीज़ होती है, जैम इसको हम कहते हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ है ये। और जुद मक्खन को कहते हैं। यानी कहवा तो कहते हैं चाय को, और शाही चाय को कहते हैं और कावा कॉफी को कहते हैं, चाय या कॉफी। जी सर, कॉफी। ओके, चाय, चाय को सर। जी ठीक है सर। या बायदुन और खुबदुन, खुबनु यानी अंडे, और खुबनु कहते हैं चावलों को। जोया आप इनकी गलती निकालें। तो ऊंची बोल लो, तुम बता दो जरा। चेन्नई बैतुन अंडे। ओके, बैतुन अंडे और खुबनु चने। जुबन, फूल जुबन कहते हैं यानी चीज को, पनीर को जुबन कहते हैं, और फूल कहते हैं हॉर्स बीन को। जुबन हॉर्स बीन क्या होता है फाइज साहब, कुछ पता है? सर चने होते हैं, ब्लैक चने होते हैं सर। क्या चीज? अच्छा, फूल कहते हैं, ब्लैक चने होते हैं। ठीक है, जय ने बता दिया आपको, जया ने, कि फूल जो होते हैं ब्लैक चने होते हैं। और जुबनू पनीर को कहते हैं। सर चीज को। जी चीज,
चने चने ठीक है। और हिस्सा हिस्सा खीर अस्तगफिरुल्लाह। सूप। हिस्सा सूप सूप प्लेट को सूप सूप। हिस्सा सूप। हिस्सा सूप और सलाता सलाता सलाद को सज्जा ठीक है। सलाता सलाद ठीक है। लहू गोश्त और तयूर नहीं लहू और तयूर बड़ा गोश या तयूर जो परिंदे का परिंदे का गोश गोश्त होता है ठीक और है, और लोम बड़े गोश को कहते हैं लोहू। जी आगे सर। ओ समक मछली या मछली खुब्ज यानी रोटी वाजुर यानी मक्खन और खुजर यानी सब्जियां। ठीक है जी आगे। चावल ओ मकारोना मैक्रोनी चावल या मैक्रोनी और या मैक्रोना मैक्रोना जी सर। चावल या मैक्रोनी और फाकिहा यानी फल और हलवा यानी मीठी चीजें। स्वीट डिश डेजर्ट शाह ओ कहवा स्वीट डिश हलवा शाही स्वीट डिशेस। शाह ओ कहवा यानी कॉफी शाही या फिर टी ठीक है चाय। सर शाही शाय शाही शाही थैंक यू। शाही ओ कहवा यानी चाय या फिर कॉफी। अल इशा यानी डिनर के खाने। मिस वदा यानी जो दोपहर की मिस है। अलतावीला खाने पर। मेज पर शो का तो अलतावीला मेज पर। मेज पर अलतावीला मेज पर शोकाती व सिक्किन वहाँ मिल आका यानी ग्लास सकीन कहते हैं। मिल आका तो चम्मच शौका प्लेट और वह सकीन और ये कहते हैं चम्मच को। शौका कांटे को कहते हैं, सिकीन छुरी को कहते हैं, मिल्ला का चम्मच को कहते हैं। कांटा फोक वहाँ सिकिन सर। सिकिन किसे कहते हैं छुरी जी सर। वातबक कबीर और बड़ी प्लेट। ठीक है। वातबक सगी और छोटी प्लेट। वकूफ और गिलास व जुजाचा माँ और पानी का बर्तन या पानी का जग। पानी की बोतल जो जाजा बोतल को कहते हैं। जा बोतल जी सर। जा जी सर। वकाई मातु ताम और खड़ा मेन्यू होना क्या चीज़ है, ताम क्या अलग मतलब बताया आपने, अलग मतलब क्या बताया? सर। नहीं मेरे मतलब नहीं था मैं पढ़ रही थी नहीं आपने यानी कोई। टेबल के ऊपर अच्छा टेबल के ऊपर वो खड़ा हो गया। टेबल के नहीं सर खड़ा
माता तो फल कहते हैं ताम खाने को, तो इसका मतलब हो सकता है वो जो मिलता है मेन्यू हाँ मिलता जी, टेबल पर मेन्यू पड़ा है। मुझे इस तरह आवाज आई कि आपने कहा खड़ा हो गया वो। नहीं सर, शायद मैं कह देती। सर जो मेन्यू मिलता है उसको अरबी में कायमा तो कहते हैं। बिल्कुल, कायम तो ताम कहते हैं उसे। जी सर, तो मेन्यू अच्छा, फिर कहाँ थी मैं, फिर कायमा सीरी ताम शेर तामी मेन्यू में। सर सेल का मतलब क्या होगा, सेल कीमत प्राइस। कामी। शेर तामी यानी मेन्यू मेन्यू थर्मस में को शामिल प्राइस करता लिखी हूँ। हुई है। ठीक है सर चन्नत को कॉल करें। ठीक है जी, पढ़े आगे फायजा। यूसुफ कायम तो ताम, यानी यूसुफ है वो मेन्यू मेन्यू पढ़ रहा है। यूसुफ मीन्स करा खुदा माजी। मेहरबानी करके। अच्छा चले आगे। ठीक है पढ़े फायजा। जी सर, मीन फजी का मेहरबानी करके आमिर मताम यानी वेटर नाम। हाँ जी यूसुफ, तो चाहता हूँ हिसा ताम तमातिम। हिसा यानी सूप, तमातिम यानी टमाटर वाला सूप, टमाटरों का सूप। हाँ जी, टोमेटो सूप। एक जन्नत आपको कॉल और ऑनलाइन हो गई है। जन्नत क्या आपको आवाज आ रही है? मसलादा ठीक है हाँ जी, पढ़ें फायजा। मसलादा और सलाद व खुब्ज यानी रोटी व कबाब और कबाब। आमिल मताम यानी वेटर हलवा और फाकिहा यानी कोई स्वीट डिश या फल वगैरह। यूसुफ फाकिहा था यानी मेवे या फल। मौस मौस यानी केला व बरूतुकाल मीन फल देखा मेहरबानी करके यानी बनाना। और सर ये बरूतुकाल क्या होगा, माल्टा। मालती बरूतुकाल माल्टा। ठीक है यानी बनाना और ऑरेंज मेहरबानी करके ले आए। आमिल मता बेटे माजा तशरब, आप क्या पियेंगे या आप पीने में क्या लेंगे। यूसुफ असीरी लेमन मीन फजीका यानी लेमन मार ये ठीक है, असीरु लेमोनी, असीरुल लेमन। लेमन जूस। फजी का मेहरबानी करके जशब यूसुफ अल असीर। प्रिया यूसुफ ने असीर अर्क या फिर जूस क्या पिया उसने? वा या सर वो लेमन का जूस या उसका अर्क जो होता है। सर अच्छा असीर का मतलब नहीं आता। अच्छा ये जन्नत अड़ क्या होते हैं? चलो। जी हमारी लैंग्वेज में तो अरक और कहते हैं किसे कहते हैं? सर वो जो सस्कंदबीन। नहीं, आर किसे कहते हैं? पहले मैं आर का मतलब जानना चाहता हूँ। सर अर्क जो होता है वो ऐसे गुलामों का अर्क भी होता है अच्छा और हाथों पे लगाने वाला अर्क भी होता है, नाखूनों पे लगाने वाला, ठीक। और भी काफी मतलब। अच्छा, यूसुफ यशरबू यूसुफ अल असीर, यूसुफ ने जूस पिया। व याकुलु ताम, और खाना खाया, या यूसुफ जूस पीता है और खाना खाता है। आगे फायजा। जी सर आमिल अल मताम
आपने इसको पूरा नहीं पढ़ा, ये इसके शुरू में यूसुफ भी लिखा हुआ है, यूसुफ लिया मिलिल मतमी। वेटर से मुखातिब करके उसने कहा वेटर को, ये उसने बात कही है। फजीका, क्या आप मेहरबानी करके चाय लाएंगे? यशरब यूसुफ फिंजाल शाही, फिंजाल किसे कहते यानी हैं जी फायजा? भैया सर फिंजाल, ये सर आपने भी फोन पढ़ा था नहीं, ये फिंजाल फिंजाल कप को है कहते हैं, कप सर, फिंजाल का नहीं आता, कप। यानी एक चाय, एक कप का चाय, हाँ, आसिफा फिल फंजाली मुहावरा फिंजाल एक, अच्छा, यानी जिसका मतलब है। यूसुफ जी सर, ये अबू यूसुफ फिंजाल शाही, यानी यूसुफ ने चाय का एक कप पिया। यूसुफ अच्छा, फतूरतुल हिसाब, यानी आप हिसाब ले आए, बिल की ये रसीद। आमिल मत बिल की रसीद ले आए। आमिल मताम यानी वेटर, तफजल फातूरातुल हिसाब, मेहरबानी करके ये ले बिल की रसीद। अदफा हुना मिन फजलिका, आप यहाँ से चले जाए मेहरबानी करके। हाँ, वो उसको कह रहा है यहाँ से निकल जाए, बड़े मेहरबानी। इदफा का मतलब है पे करो, यहाँ पे इदफा का मतलब है पे करो, ठीक है, पैसे, बड़े मेहरबानी, यहाँ पर पैसे पे करें। समझ आ जी गई सर, फैजा? अदफा ना मिन फजलिका, इदफा, जी सर आ गया, इदफा, यानी इदफा, इदफा का मतलब पे करें, हाँ पे करें। इदफा पे, प्लीज पे, जी सर, इदफा होना यहाँ पर पे करें मिन फजलिका, मेहरबानी करके, आप मेहरबानी करके। यकरा यूसुफ अल फातूरा व यदफा अल हिसाब, यानी यूसुफ ने पढ़ा बिल या रसीद, व यदफा और पे किया हिसाब, हिसाब व यशकुर, उसने शुक्र किया आमिल मताम वेटर का, व यखरुज और निकल गया। ठीक है जी, आपके जो भी इतफा था ना, इससे मुझे एक बात याद आई कि एक गलती मुझे आज कल नज़र आ रही है बहुत, जो अक्सर स्टूडेंट्स का रही है, वो ये कि अब लफ्ज़ मुदरिसा है जिसका मतलब होता है उस्तानी, उसके साथ वो लगा देती हैं फ़ी, तो ये गलती है। इसी तरह और भी कई जुमले आते हैं तो ये काफ़ी ब्लंडर होते हैं, इनके काफ़ी सारा मतलब भी तब्दील हो जाते हैं। अब इसी तरह एक मजाक कर रही हूँ, आया मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, यकरा यूसुफ, यूसुफ ने पढ़ा अल फातूरा बिल बायदा पे किया अल हिसाब बिल को, व यशकुर और शुक्र किया आमिल मताम वेटर का, व यखरुज और निकल गया। ये कौन सा था ये आगे दोबारा लिखा हुआ है, आप इसको सर? दोबारा ये तो पढ़ें वो सारा वही लिखा जी, पढ़ें दोबारा, कोई मसला नहीं। जी सर। किसी अव्वल दौर, यानी रेस्टोरेंट के होटल के रेस्टोरेंट में पहले फ्लोर पर, होटल में रेस्टोरेंट पहले फ्लोर पर है, ठीक ठीक है, है यार। यूसुफ यूसुफ या कुल फी मतामुल फतूक, यानी यूसुफ खा रहा है रेस्टोरेंट में, होटल के रेस्टोरेंट में, अल वाजिबात फिल मताम हिया, रेस्टोरेंट के खाने ये हैं, अल फुतूर मॉर्निंग में यानी स्टार्टर, असीर असीर सीर फाकिहा यानी जूस फलों का, खुब ठीक है। यानी रोटी व मुरब्बा और मुरब्बा जार व जूस और मक्खन, अच्छा ठीक है सही है, सही है। जी। जोया, ये आपने क्या बताया था, शाही या शाही? शाही ओ कहवा यानी चाय और कॉफी, बैत अंडे व कुछ
जुबनो और जुबनो चीज, जुबनो चीज, फूल और चावल, नहीं चावल नहीं, चने हॉर्स बीन, ब्रॉड बीन, काले और फूल चने। और चने। हॉर्स बीन जी सर, काले चने को हॉर्स बीन कहते हैं? अब काले चने का मुझे सही पता नहीं है, जोया साहब ने चेक किया है इन्होंने, तो मुझे इसका सही पता सर नहीं है। वो जो चने, वो जो मतलब हॉर्स वगैरह खाते हैं ना, वो नहीं, इसको कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको हाँ फूल तो को तुम हम यही समझ कहते रहे हो, हैं। ये वाले चने नहीं खाते। अच्छा मैं समझा, वो ये वो आप उन चनों की बात कर रही हैं जो फायजा खाती है रोजाना, हम भी खाते हैं सब सर्दियों में। जी सर, हाँ या भी ना जी जी है या? बिल्कुल, हम सब खाते हैं वो काले चने, लेकिन ये अलवन दूसरे वाले को चने, इनका मुझे सही पता नहीं है ये है क्या, लेकिन यहाँ भी इन्होंने बंदे के लिए लिखा हुआ है कि ये बंदा खाएगा होटल में मिलने से, तो ये फूल खाएगा। जी सर, अलग और दोपहर को खाना, यानी लंच दोपहर का खाना, हिस्सा हिस्सा सूप और सलाद, सलाद, फूलों, बड़ा गोश्त व तूर, परिंदों गोश्त व समक और मछली, खुजर 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 सब्जी ठीक है। सब्जी खुब्स खुब्स कहते हैं रोटी को, खुजूस और मक्खन, उसका मैंने लिखा ही नहीं सर। चावल और चावलों कहते हैं ना, बिल्कुल, चावल व मकरोनी और मैक्रोनी, फाकिहा, फल और हलवा या स्वीट डिशेस, डेजर्ट्स शाही और चाय व कहवा और कॉफी, ठीक। अलीशा यानी ये हाई टी या इवनिंग डिनर, मिसल गदा दोपहर के खाने की तरह, मिस दैट दोपहर में वही चीजें रात को भी हैं डिनर में, ठीक है जी, अलता यानी मेज के ऊपर, शौकादी शौकादी व सकीन व मिला का यानी फोक और नाइफ और स्पून, तीनों चीजें पड़ी हैं, व तबक का कबीर और बड़ी प्लेट, व तबक का सगीर और छोटी प्लेट, व जुजाजा मांस और पानी की बोतल व कूप और ग्लास, कायमा तो तामी अलग तावीला यानी मेन्यू जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, फिर कायमा सायरी सेरो तामी, सायर ताम सेरो फिर कायमा तामी। यानी मेन्यू के अंदर साइड में लिखी हुई है फिर हाँ उत्तामी। खाने की कीमत लिखी हुई है। ये करा यूसुफ कायम, खाने की मत लिखी हुई है, करा यूसुफ कायम ताम यानी यूसुफ जो है वो मेन्यू पढ़ा है, यूसुफ इन फजी का मेहरबानी करके आमरुल मताम बेटर नाम जी यूसुफ खरीदो की साथ आमी अमातिम यानी टमाटर सूप व सलाद और सलाद व खुश और रोटी व कबाब और कबाब, मताम यानी बेटर हलवा और फाकिया, आप मीठी डिशेस देंगे फिर फल लेंगे यूसुफ, फाकिया फल वगैरह बनाना व पुर्तकाल और माल्टा मेरा फर्जी का आप की मेहरबानी के साथ, ठीक आमिल है, मताम मताम, आजा तशरबू और आप क्या पियेंगे यूसुफ, असीरुल लेमून लेमन का जूस मिन फजी का आप मेहरबानी करके, यशरबू यूसुफ अल असीरी व याकुल तआम यानी यूसुफ ने पिया जूस और खाया खाना, खाना खाया, यूसुफ लिल आमिल अल मताम यानी यूसुफ जो है वो वेटर से कहता है फिंजाल शाही मिन फजी का मुझे एक कप चाय मेहरबानी करके आप दे दें, यशरब यूसुफ फिंजाल शाही, यूसुफ ने चाय का एक कप पिया यूसुफ, फतूरल हिसाब मिन फजी का मेहरबानी करके आप वो ले आए बिल, बिल ले आए, आमिल मताम यानी वेटर तफजल फतूरा अल हिसाब,
उसको वो थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो अगर ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले चलाया था। सॉरी सर, अमीर मकाम यानी वेटर तफजल मेहरबानी के आप मेहरबानी करके फतूरा फतूरा बिस्तर बिस्तर ले। हाँ अली नहीं उसने कहा है बिल की रसीद लें, बड़े मेहरबानी बिल की रसीद, और उसने बल्कि तफदल ये लें। सर, फतूरा का मतलब क्या होगा? फातूरा का मतलब है रसीद, बिल हिसाब का मतलब है बिल। उसने कहा ये लें बड़े मेहरबानी, ये लें बिल की रसीद ले लें। रसीद फतूरा जी सर, तफद्दल का मतलब सर ये ले होगा ना? हाँ बड़े मेहरबानी ये नहीं, यानी कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट के मैनर में आ जाता है। हाँ इत्फा, इत्फा यूसुफ अल फतूरा इत्फा का क्या मतलब है? इत्फा फाइल सर, इत्फा का मतलब है प्लीज पे। ठीक है जी। यकरा यूसुफ अल फतूरा, यूसुफ ने रसीद को पढ़ा, वयदफा हिसाब और जितना हिसाब बना था वो पे किया, वयशकुर और शुक्र और उसने शुक्र अदा किया, आमिर मतम रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट कह रही हूँ वेटर का, वयखरुज और वो निकल गया। ठीक है जी। तो इत्फा चले ठीक है जी। आगे अल कलिमातुल जदीदा पढ़ें। इसे मतम रेस्टोरेंट अव्वल पहला दौर, ये था पहला फ्लोर सर, मंजिल, अव्वल दौर को नंबर कहते हैं एक फ्लोर मंजिल। कहते हैं जी सर, मंजिल फ्लोर, वाजिबात खाने फतूर, फतूर मॉर्निंग मॉर्निंग डिशेस ब्रेकफास्ट नाश्ता, फुतूर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। फतूर तफद्दल फतूर, ये ठीक होगा नाश्ता? हाँ जी ठीक है, आगे चलें। फतूर नाश्ता अलसीदी फाकिहा मेवे मुरब्बा मुरब्बा जुबक मक्खन शई शई सर, ये सही वर्ड क्या है पढ़ने में? शाही। शाई शाई चाय, और या कावा या फिर ये कॉफी, जुबन जुबन का था, चीज पनीर चीज। फूल चीज फूल चने हिसा सूफ सलाता सलाद लहूम बड़ा गोश्त तयूर जान परिंदों का गोश्त समक मछली खुजर खुजर सब्जी खुजर सब्जी उर्ज चावल मैक्रोनी पास्ता या मैक्रोनी हलवा यानी मीठी डिशेस मिस की तरह अलिशा अलिशा डिनर। ठीक सर ये जो हाइट होती है भी इशा ये में आएगा, क्या चीज़ है? हाइट वगैरह जो शाम से रात तक चलती है। क्या चलती है? ऊंचा बोले दोबारा। जो इशा दोपहर के वक्त जितना टाइम होता है वो सर अलविदा में आ जाता है, बिल्कुल। और अल इशा होता है ये शाम में दट, मगरिब तो के ये बाद, जो अल इशा होता है ये सिर्फ डिनर के लिए। मगरिब के बाद जो कुछ आप खाती पीती हैं वो सब आपका आशा है। ठीक है, कम खाया करें। शोका 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 कहते हैं वो कांटे को, ठीक है। स्किन कहते हैं नाइफ को, मिल आका
यानी चम्मच, टपक, प्लेट, कबीर, बड़ी, सगीर, छोटी, जुजाजा, बोतल, मावा, पानी, कूप, गिलास, काइमा, तुताम, मेन्यू, करा, बढ़ा, अब आपका यहाँ पे ये लफ्ज़ सदा, अलग बेटा, अलग लिखे साथ, हैं फाइजा, ब्रेक मारने सोची, ये लफ्ज़ जो है ये सब अलग अलग लिखे हुए। कायमा का मतलब वैसे क्या होगा जब अलग होगा? खड़ा। कायमा का मतलब है टेबल, चार्ट। नीचे जा रही हूँ, माशा का सुन सर रहा। कायम का मतलब खड़ा नहीं होता। वो होता है, वो कुम होता है, लेकिन वो अभी अभी हम उस पर आए नहीं है। जो हम चीज़ पढ़ी है ना हमने, वो पहले हमने टेबल पढ़ा था, जब इस किताब अलसासी के पहले हिस्से के आखिर में हमने कायमा पढ़ा था, तो वो वाला। मैं ये पूछ रही थी कि जो रेस्टोरेंट से शाम के वक्त चलती है ना खैटी वगैरह, या सुपर चलता है बिल्कुल 10 के रात के इतने टाइमिंग्स में जो है वो हाइटिंग, तो उसको भी इशा ही बोलते हैं। बिल्कुल। जी सर, ठीक है। कायमा का मतलब टेबल। चार्ट, टेबल, चार्ट, इस जो हम दीवारों पे लगाते हैं, मेन्यू समझ लें, यानी ग्राफ हो गया, खाने के, खाने का चार्ट। वैसे भी हो सकता है, किसी भी चीज का चार्ट हो सकता है, किसी भी मालूमाती चीज की मालूमात शो करने के लिए। वो भी सारी चीजें इस तरह की जितनी भी हैं वो सब इस कायमा की कैटेगरी में आती हैं। सात और कायमा, कायमा सात, टाइम टेबल। आगे ताम किसे कहते हैं? सर खाने को आगे करा। करा आप पढ़े, आमिरल मताम, वेटर, ता तातिम, ता टमाटर, मातिम, टमाटर। उरी चाहता हूँ कबाब, कबाब, पुर्तकाल, ऑरेंज, लेमून, लेमन, फतूरा, हिसाब, रसीद, हिसाब, हिसाब किताब, फा यानी चले जाए, यदफा चला गया, इत्फा शुक्र पे करो। शुक्र इत्फा किया। अपने लिए भी कहते हैं, और इसके दो मतलब हैं, इत्फा पे करो या मैंने पे किया, और इसी तरह यदफा उसने पे किया। जी सर, उसने पे किया। यशकुर सर, ऐसे ही थोड़ा वो ऐसे शुक्रिया अदा कर यशकुर रहे हैं, शुक्र करें, असमा वो शुक्रिया अदा वो कर रहा शुक्र है। अदा करता है, वो मर शुक्र अदा कर रहा है, असमा आसमान और फिंजाल, फिंजाल कहते हैं उसको, फिंजाल कप, कप। आपको कहते हैं, ठीक है जी। आगे तदरीबुल्ला, एक सेकंड जी, तदरीबुल्ल है अकमिला जुमला लातिया बेख्तियार कलिमात मुनासिब, वो कह रहे हैं कि जुमलों को मुकम्मल करें एक मुनासिब लफ्ज इख्तियार करके। तो ये आप फायजा मुकम्मल करें सारे। तावीला यानी टेबल पर वो है शोका यानी फो पड़ा हुआ है, यूसुफ यशब यूसुफ पी का है, अल असीर जूस, कमाल ला याकुल कमाल खा रहा है, कमाल खा रहा है, तयूर यानी परिंदों का गोश्त, अल ठीक मदाम या फी अव्वली दौर पहली मंजिल पे है, अलग ताविला और टेबल के ऊपर कायमत अच्छा, ताम यानी मेन्यू एक हुआ मिनट है। रुकें रुकें रुकें, जो अभी जो उन्होंने जुमले पढ़े वो सारे सही थे? मैं सुन नहीं सका इनके जुमले। जया जन्नत, कोई आप लोगों को आवाज आ रही है? जन्नत आपने, ठीक है सारे? जी सर, ठीक है जी। जी आगे पढ़ें फैजा। सर, जुजाजा बोतल, हाँ जी। आलल काइमा, नहीं, जुजाजा बोतल, अलमा पानी की बोतल, अल ताविला यानी टेबल पर है, सिरु ताम फी एक मिनट, सिरु ताम फी
हिसाब फी कायमतु ताम सेरु तामी फी कायमतु तामी, ठीक है। का मतलब क्या था? प्राइस प्राइस सेम राइट जी सर। अलगदा नहीं, यूसुफ याकुल यूसुफ खा रहा है, असमक मछली, अलगदा दोपहर खाना, एक तुयूर व खुब्जू, मिनट सर, वो तो यूर मैंने पहले लगा दी है। पीछे फिर शौका ही बजता है और कुछ नहीं बजता। तो सर शौका तो उसको कहते हैं, कांटे किसे? को कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या लगाएंगी और? तो सर या फिर कायमा तो ताम बजता है, वो लगा सकती हैं यहाँ पे। कहते हैं रोटी को, बिल्कुल। तो जल्दी बताएं फिर क्या लगेगा। मछली और रोटी हो सकती है, ठीक है, अलगदा असमक बखुल चलें। ठीक है, यानी मछली और रोटी, ठीक है जी। कटोरा रसीद मीन सर्दी का, यानी इधर आएगा स्पातू, किधर है नहीं, कटोरा ले आए फातुरातुल हिसाब मिन फजलिक, फतूरतुल हिसाब मीन फर्जी, यानी हिसाब किताब मेहरबानी करके ले आए। चलें। ठीक है जी। आगे हैं अकमल कमा फिर नमूज, अच्छा नमूज यानी मेरी, अब उनके बात पास सुने, बात है। सुने, बात सुने ना मेरी। अब नई क्लास है तो अगर आप इन दोनों से पढ़ सकती हैं तो ठीक है, पढ़ें फिर। मैं इंशाल्लाह आपको फिर बाकी जो रह जाएगा कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जय जनत, आप इनको जी पढ़ा सर सकती मैं हैं अभी? उनसे पढ़ लेती हूँ। ठीक है फिर पढ़ें इनसे। जी सर मैं अभी नई मैं क्लास है हया को कह दे, हया पढ़ा दे जी। हया साहब आप पढ़ाएं।